किसान भाइयों नमस्कार। इस समय जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में पोका बोइंग का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा हो जाता है गन्ने के खेत में। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, कहीं कहीं पत्तियां पीली पड़ रही हैं, सिकुड़ रही हैं, बाद में पत्तियां सूख जाती हैं और इसकी मेन सीक भी सूख जाती है, जो बाद में धीरे धीरे निकलती है, परंतु वो पतली हो जाती हैं और लंबाई भी नहीं ले पाती हैं। तो पोका बोइंग के लिए सबसे पहले आप लोग 100 ग्राम कार्बेंडाजिम ले लें और 100 ग्राम इमिडा क्लोरोपीड ले लें। इन दोनों दवाइयों को मिलाकर एक घोल तैयार कर लें। इन दोनों दवाइयों को लगभग 5 लीटर पानी में घोल बनाएं और जिस टंकी से आप स्प्रे करते हैं उस टंकी में 1 लीटर इस घोल को डालें और बाकी इससे पानी को भर दें। इस हिसाब से 5 टंकी लगेगी। 5 टंकी जो हमारी दवा तैयार हुई है उसको इन पत्तियों पर स्प्रे करें, इससे बीमारियों का इलाज तुरंत होगा। और अगर आपके गन्ने का विकास नहीं हो रहा और लंबाई नहीं बढ़ रही है तो इस घोल में NPK भी 1 किलो मिला दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि पत्तियां बिल्कुल हरी हो जाएंगी और उनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से होने लगेगा। तो किसान भाइयों, आप लोग इमिडा क्लोरोपीड और कार्बेंडाजिम 100-100 ग्राम लेकर गन्ने की पत्तियों पर इसका घोल बनाकर जरूर स्प्रे करें, अन्यथा आपके उत्पादन में काफ़ी गिरावट आ जाएगी। ये बीमारी 238 में काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा दूसरी दवा ऑक्सीक्लोराइड भी है, इसको भी आप 100 अगर ऑक्सीक्लोराइड मिल जाए तो ऑक्सीक्लोराइड को भी 100 ग्राम ले लें, तब केवल ऑक्सीक्लोराइड का ही स्प्रे करें। वही 5 टंकी इसको भी दवा बनानी है और इसका स्प्रे पत्तियों पर कर दें। हमने इसमें पोका बोइंग की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 100 ग्राम और इमिडा क्लोरोपीड 100 ग्राम का घोल बनाकर स्प्रे करा दिया है, जिससे कि अब इसमें रोग का प्रकोप कम हो रहा है। धीरे धीरे इसमें ज़्यादा लग गए थे